हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इमेज ऑफ्स ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए जीके काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ ही जब आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और मैट्रिक लेवल की बात करते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के पार्ट थ्री से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की, तो वो आपके शासक थे वाकाटक। इसके बाद है कि मौर्य काल के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का प्रधान एवं साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। मौर्य काल में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का प्रधान एवं साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सम्राट। उसके बाद अगर हम बात करें इसी के थर्ड क्वेश्चन की, तो वो है कि मौर्य काल में सम्राट की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण कौन रखता था, तो वो रखते थे आपके मंत्री परिषद और उसके बाद जनपद एवं लोकमत। क्वेश्चन नंबर फोर है कि मौर्य काल में प्रधानमंत्री को कहा क्या कहा जाता था, तो मंत्री शब्द से उन्हें जो है कि पुकारा जाता था। इसके बाद है कि मौर्य काल में धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाला क्या कहलाता था, उन्हें पुरोहित बोला जाता था। मौर्य काल में राज दरबारवाद, सीमादारी एवं अन्य प्रमुख राजकीय द्वारों का रक्षक क्या कहलाता था, तो उन्हें दौवारिक बोला जाता था। फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूँ आरआरबी एनटीपीसी, तो तकरीबन जून तक होने की संभावना है इसकी। तब तक अगर इस टॉपिक को हम लोग पूरा तरीके से कवर कर लेंगे, अगर आप रोज़ इस वीडियोस को, जो कि हमारे चैनल पे 3 से 4 वीडियोस रोज़ अपलोड होते हैं, आप उनको अच्छे से देखें और तैयारी को एक बेहतर जो है कि धार और दिशा दें। अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ आपको आरबी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल से रिलेटेड ढेर सारे मटेरियल्स मिलेंगे जो आपके तैयारी में काफ़ी सहायक होंगे। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में अंतःपुर का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो उसे अंतर्वैदिक बोला जाता था। फिर है अगला क्वेश्चन कि मौर्य काल में आय का संग्रह करने वाला क्या कहलाता था, तो उसे समाहर्ता बोलते थे। मौर्य काल में राजकीय कोष का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो मौर्य काल में ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो मौर्य काल से ही रिलेटेड है, तो मौर्य काल में राजकीय कोष का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो इसे बोलते थे सन्निधाता। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता भी होगा, कि मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो मौर्य काल में कारागार का जो अध्यक्ष होता था उसे प्रशासता बोलते थे। मौर्य काल में कमिश्नर को क्या कहा जाता था, तो प्रदेष्टि। मौर्य काल में नगर रक्षा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो नायक बोला जाता था। वही नायक, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं अनिल कपूर की जो फिल्म आई थी नायक, उससे कि मौर्य काल में नगर के कोतवाल को क्या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, तो उसे पौर कहा जाता था। उसके बाद है कि मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था। मौर्य काल में पुलिस तथा अनुशासन स्थापित करने वाले दल के अध्यक्ष को दंडपाल कहा जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कुछ इसी से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं, कि मौर्य काल में उद्योगों और कारखानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में उद्योगों और कारखानों के अध्यक्ष को कार्मातिक बोला जाता था। मौर्य काल में राजकीय दुर्ग के रक्षकों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में राजकीय दुर्ग के अध्यक्ष को दुर्गपाल कहा जाता था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल का जो संस्था जो है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। फिर है पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो पुष्यभूति वर्धन, उन्होंने उनके नाम से ही आप जान सकते हैं पुष्यभूति वंश, तो पुष्यभूति वर्धन अच्छे से याद हो जाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की, तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है कि स्थानांतरित किया। मुमताज महल
का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानू बेगम। उसके बाद जो कुंभ का मेला यहाँ लगता है हर 5 वर्ष में, उसे किसने जो है कि शुरू कराया था? तो हर्षवर्धन नाम के राजा ने इसे शुरू कराया था। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता बाण भट्ट। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो गुप्त वंश की स्थापना हुई थी 319 ईस्वी में। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ये प्रश्न फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप टिक कर लीजिए, अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाबर नामा का फारसी में किसने अनुवाद किया? तो बाबर नामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। उसके बाद है पुराणों में अशोक का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो वो है अशोक वर्धन। फिर है अगला क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण कलंदर नाम दिया गया? तो कलंदर नाम दिया गया बाबर को। गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब कहाँ के गवर्नर था? तो दक्कन का यह गवर्नर था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किस शासक ने किया? तो अशोक ने किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो वो हुआ आपका 57 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो अगला सवाल है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो वो हुआ था फैजी के निर्देशन में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में तकरीबन हम लोगों ने 20 से भी ऊपर के प्रश्नों को जो है कि प्रश्न और उत्तर को याद किया। ये ऐसे प्रश्न और उत्तर है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इन्हें ज़रूर से तैयार कर लें, क्योंकि एक अगर अभ्यर्थी है तो वो केवल एक परीक्षा के साथ साथ और भी परीक्षाओं को देता है। अगर SSC की बात कर लें तो अगर CGL का वो अभ्यर्थी होगा तो वो CHSL भी देगा, MTS भी देगा, और भी जो उसके लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे, जो उसकी एलिजिबिलिटी को जो उसकी जो पात्रता को के लायक होंगे वो उसको ज़रूर देता होगा। तो ये सब क्वेश्चंस वहाँ काफ़ी जो है कि प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। इसके अलावा आप और किन सब्जेक्ट्स के वीडियोस चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेहतर ढंग से तैयारी किया जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।